किसी का लिए। मैम कितने साल में उस चीज के साथ कनेक्टेड हो? 4 साल से सर। करंट लेवल? यूसीडी यूनिवर्सिटी क्राउन डायरेक्टर। फर्स्ट मंथ का चेक कितना? 90 रुपीस। आज के डेट का हाईएस्ट चेक? 4,90,000। 5 साल। वेस्टी से पहले आप क्या करते थे मैम? सर वेस्टी से पहले हम छोटा सा कपड़ा का दुकान चलाता था, जिसमें से जैसे कि हम सबको मालूम है कि बिजनेस में कभी लॉस होता है कभी नहीं होता, और जितना भी होने से भी हम कभी नहीं सोचता है कि इससे हम ये करेगा मेरा ड्रीम्स फुलफिल करेगा, ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि जितना भी आने से और इन्वेस्ट करना पड़ता है और लेने के लिए, इसलिए जितना गुड डालोगे उतना मिलता है, जितना डालेगा उतना मिलेगा, इसलिए और इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हाथ में पैसा नहीं होता था गाड़ी लेने का, नहीं तो कुछ करने के लिए, और ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए काफी नहीं था। मैम घर में कौन कौन? घर में मेरा 2 बेटी है और मेरा हस्बैंड। मैम माय मॉम एज ए मदर पिछले 5 साल से आप इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो, आप काम कर रहे हो, मतलब ये एज ए लेडी ये टफ तो होता होगा थोड़ा, बट हाउ यू हैव ओवरकम ऑल दोस चैलेंजेस, क्योंकि आप आज के एक सक्सेसफुल लेडी हो, यू आर अ फेस ऑफ नागालैंड आज के पे, नॉट ओनली फॉर नागालैंड, यू आर अ फेस ऑफ वेस्टी, राइट। लेकिन बहुत सारे लेडीज का ये चैलेंजेस होता है कि सर मैडम काम करेंगे लेकिन बच्चे है घर में, उस चीज को कैसे संभाले। सो ये आपके साथ भी हुआ होगा, आई होप नहीं, मुझे पक्का विश्वास है। तो वो सब चैलेंजेस को आप ओवरकम कैसे, आज के पे एक सक्सेसफुल लेडी बिजनेस वुमेन के रूप में आप खड़े हो, मतलब व्हाट आर दोस एक्चुअली पॉइंट्स जो आप आज के पे करना चाहते हो? जैसे मैं अभी सबसे छोटी वाला बेटी, अभी दो साल कंप्लीट हो चुका है, और जब मैंने वेस्टी ज्वाइन किया था तो एक बच्चा तो ऑलरेडी था, और सेकेंड बच्चा तो जब मैंने ऑलरेडी वेस्टीज करना शुरू किया तब से कंसीव करके करना शुरू किया। तो जिसे मैं यहाँ लेडी जितना भी है वो बोलना चाहती हूँ कि जिसे देखो हम लोग का काम तो चलते रहेगा, इट्स एंडलेस, और वो सब एक्सक्यूजेस होता है। आपका डिटर्मिनेशन कितना है, आपका माइंड सेट कितना है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसमें डिपेंड करता है कि आप जितना बड़ा माइंडसेट रखोगे उसको अचीव करने में कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। और जैसे मेरे छोटा सा जर्नी हम आपसे शेयर कर रहे, जस्ट स्मॉल, मैंने जब ज्वाइन किया था कभी नहीं सोचा था।